अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंड और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कि आप परसेंटेज को बगैर कैलकुलेटर के किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें और इसको अपने दूसरे ग्रुप्स व्हाट्सएप और फेसबुक में भी इसको शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके। और ये आप कोई NTS PPSC और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं कि आप किस तरह परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये 70% ऑफ 90 आप इसको कैलकुलेट करें। लेकिन अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। इसका यानी कि 100 हो गया और ये जो जीरो काट दिया इनको मल्टीप्लाई करें, बाकी बच गया 9 और 73 हो गया। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें ये 33, तो जो 90 का 70% वो 63 होता है। आंसर है 63। 70% 63 होता है। आपको बड़ा ही मुश्किल लग रहा था कि आप किस तरह इसको करेंगे, लेकिन ये ट्रिक्स यूज करते हुए आप मैथ को बड़े इजीली कर सकते हैं। अभी 65% ऑफ 55 और ये देखें, ये भी एक क्वेश्चन आपको, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसको आप करते हो, आपको ये पहले बार तो आपको लगे आसान है, ये आप कर लिया है, लेकिन इसको आपको अब देखने में ये मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये मैथ को आप इसकी इसी तरह जो पहले आपने ये ट्रिक यूज़ किया उसको ही हम इसको यूज़ करते हो, इसको बड़ी ही ईजिली बगैर कैलकुलेटर के पेपर में NTS का हो या PPSC का या फेडरल पब्लिक सर्विस में जो भी हो, हम इसको बड़ी ही ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने टुकड़े कर लिए हैं 55 के, हमने टुकड़े कर लिए दो, यानी कि 55 एक हो गया और दूसरा हो गया 5%। अब 65 का हम हाफ़ करेंगे। अब हाफ़ भी वैसे ज़ुबानी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कैलकुलेट कर लें यानी कि वो दो पे तकसीम कर किया तो ये हो गया 365 और ये हो गया 2 और ये 32.5 यानी कि 5 इसका आ गया आंसर। 35.5 इसका जो आंसर आया ये है 50% का। अब 5% और करना है। अब 5% और यानी कि हम इसका यानी कि 5% कर लें, यानी कि अगर 5 करेंगे तो ये 3.25 हो जाएगा। ये 3.25 हो गया तो इसको हम जमा कर दें तो ये जवाब आ गया है 35.75 इसका यानी कि आंसर आ गया। ये भी आपको यानी कि इसको आपके लिए कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ती है, यानी कि इसको देखना पड़ता है कौन सा तरीका जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा इसको, या 65 को हम अगर 60 करते हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 50 यानी कि हाफ कर लिया उसका, ये 50 हाफ होता है तो ईजिली हमने 65 का हाफ किया है। और उसके बाद जो वो 5% वो उसका भी यानी कि 65 का ये 10% यानी वो ले लें उसके भी हाफ यानी कि 5% कर लिया है। इस तरह हम इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको, और बेल का आइकन बटन क्लिक करें ताकि जो मैं वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले इसको मिल सके। और ये अब जो मैं और ये एक और यानी कि 2 मिनट सवाल कर लिया, मैं टफ सवाल आपके लिए करना चाह रहा हूँ जो मुश्किल लगेगा आपको। ये 39% ऑफ 33%। अब ये जो सवाल है इसको कैलकुलेट करना यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको, और ये होना भी चाहिए क्योंकि दोनों एक में आपको बड़ी दूर दूर नज़र आ रही है आपको किस तरह हमको करेंगे। लेकिन अब मैं बता दूँगा 40% कर लें और -1 यानी कि 39% हो जाएगा और ये 33 है। अब 40% 33 को निकालेंगे तो ये डायरेक्ट यानी कि इसको निकालें 40 × 33 कर दें तो ये आ जाएगा यानी कि 10 तो काट लें आप, वो हो जाएगा यानी कि 4 × 33 से करें तो 4 × 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13.2। अब जो 13.2 ये है 40%। अब हमने तो निकालना 39%, हमने 1% माइनस करना पड़ेगा। 1% माइनस करेंगे 33 का 0.33 यानी कि हो जाएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये वो ये देखें 3.2 माइनस 33
जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12.87 और ये इसका जवाब आ गया है यानी कि 39% ऑफ 33। और ये भी यानी कि शुरू में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन इसको आपको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा आप किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरह कौन सा तरीका यूज़ करूँ वो जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। If you enjoyed this video, if you like this video, if you've seen this video, if you enjoyed watching this video, if you like this video, please.